अच्छा जी, कोई पहले प्रॉब्लम? जी जी बस मैं आपके आ रहा हूँ, आप सवालों से दोबारा कर लीजिएगा। मैं जरा इनको बता दूं कि गिग एडिट कैसे होगी, उनका एक सवाल था। फॉर ओके एग्जाम्पल ये गिग्स आपकी लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर देखें ये एक छोटा सा एरो आता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखें पहला ऑप्शन आता है एडिट का। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो एक पेज दूसरा खुलेगा और आपकी गिग जो है वो एडिट के लिए खुल जाएगी। अब यहाँ पर आप जो उसको चेंज करना चाहें, प्राइसिंग चेंज करना चाहें, डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहें, ये आप सब कर सकते हैं और आखिर में इसको यहाँ से सेव कर दें। तो इस तरह से एडिट होती है। सही है, आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। अब जो सवाल करनी थी दोबारा कर लें, दूसरा कौन करेंगे? सर, मैं ये कह रही थी कि आप वो जो आप कह रहे थे ना, संडे के संडे हम एक क्लास किया करेंगे, तो वो आप मंडे के मंडे कर लें तो ज्यादा बेस्ट होगा। मंडे को मैं बिजी बहुत होता हूँ, तो मैं ये वाली क्लास भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ टाइम निकाल के, इसलिए संडे मेरा फ्री होता है, इसलिए मैं बोल रहा था कि संडे संडे कर लेंगे। वो एक तरबियत की क्लास मैंने बोला था कि वो शुरू करनी है मुझे। ओके सर, जैसे आप लीजिए। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है ताकि फिर मैं फेसबुक स्टार्ट कराऊं? जी सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरी एक गिग का मसला है कि वेरीफाई भी नहीं हुई ना मेरे, भी इसलिए नहीं खुल रही हो। जिस तरह आपने अभी बताया ना कि एडिट इस तरह करना है और उसमें जाके खुल जाएगी, अच्छा, मेरी नहीं खुल रही है इस तरह। एक मिनट रुके, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करके ना, आप लोग मोबाइल से काम कर रहे हैं ना, तो मैं मोबाइल से नहीं स्क्रीन रिकॉर्ड सर, सर पीसी से ही कर रही हूँ मैं इसी से कर रही हूँ, सर। हाँ, हम लोग ज्यादातर लोग मोबाइल से भी कर रहे हैं। तो मैं मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको बता दूं कि वो गिग एडिट ठीक, किस तरह से होगी। क्योंकि सही है वैसे सर। ऐप से नहीं होगी, वो आपकी बेसिकली होगी उससे गूगल क्रोम से ही होगी, और गूगल क्रोम में आप जाएंगे तो यही इंटरफेस आ रहा है आपके सामने, लेकिन फिर भी मैं मोबाइल से बता चलिए सकता हूँ। ठीक है, मोबाइल से बता दें। अच्छा, लेकिन आपका जो सवाल अभी था कि वेरीफाई नहीं हो रही, वो वाला मुझे समझ में नहीं आया कि गिग वेरीफाई क्यों नहीं हो रही, क्या उसमें आ रहा है सर उन्होंने इसमें? तो मेरा नंबर ही नहीं मांगा, वो हुआ ही नहीं है मेरा ना इस तरह का कुछ नहीं, भी। नंबर इज डिफरेंट, अगर गिग वेरीफाई नहीं हो रही, नंबर वेरीफाई। सर आप मेरी गिग एक दफा लाइव चेक कर लेंगे यहाँ पे? आज नहीं, फिर कभी आपके पास अगर टाइम हो तो वो चेक कर लीजिएगा प्लीज। मुझे भेज दीजिएगा, अगर गिग वेरीफाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपने कॉपी पेस्ट की हुई है किसी की गिग, तो वो यस कॉपी सर, पेस्ट जो है ना वो वेरीफाई नहीं करते, वो आप उसमें फ्रॉड रूल में आ जाती है कि आप जो है किसी की कॉपी करके अपनी गिग लगा रहे हैं, ठीक है तो सर। वो गलत हो जाए, वो वेरीफाई नहीं करेंगे, वो आपको इनफैक्ट अगर आपने दूसरी दफा किया तो ब्लॉक भी कर दो, कॉपी नहीं करना है। तो फिर सर नहीं बना लूं अपनी बिल्कुल, के? वो डिलीट करें, नहीं बनाए, उसको आप देख सकते हैं, उससे समझ सकती हैं कि वो क्या बेच रहा है या क्या बेच रही है, लेकिन उसकी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो फाइवर एक्टिव नहीं कर, आपकी गिग वो नहीं करेगा, वेरीफाई नहीं करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलें ठीक है सर, मैं नहीं बना लेती हूँ। जी अच्छा, और किसी का कोई सवाल? चले थैंक यू सर। जी सर, सर हमने अच्छा, आपके साथ इंस्टाग्राम पोस्ट की गिग बनाई है, अब लोगों की या किसी और की हम अलग से बनाएंगे जी, या उसी में आ जाता है? आपके पास 6 गिग का ऑप्शन होता है, आपको 6 गिग बनानी है और अलग अलग बनानी है, 1 गिग से ऑर्डर नहीं आएगा। सही, लेकिन मैंने जब आप गिग अपनी लगाई है जो बनाए हुए थे उसमें मैंने लोगो भी लगा दी है, वीडियो भी लगा दी, गिग में सब कुछ नहीं डालना है, खाली देखें। खाली इंस्टाग्राम पोस्ट डालनी। हाँ, अब देखें मैं आपको बताता हूँ, आपने बनाया चावल, चावल में आपने डाल दिया दाल भी डाल दी, सालन भी डाल दिया, पाई भी डाल दिए, छोले भी डाल दिए, उसके बाद ब्रोस भी डाल दिया उसमें, उसमें जो है वो पिज्जा भी डाल दिया, कैसा लगेगा? गड़बड़ हो गई। सही सही है, तो सही आई यू गेट टू एन आइडिया क्या क्या कर रही हैं आप। एक चीज बेचनी है दुकान पे, एक एड लगाएं, सही है, हर चीज नहीं बिकेगी जी एक एड। ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो सर ये अभी गड़बड़, तक तो हमने वैसे इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं बनाई थी, इंस्टाग्राम पोस्ट तो वहां से भी नहीं मैं उसे एडिट कर दूं बना के। बनाई? हाँ ना, तो आप कैनवा पे जाएं, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाएं, उसके 3-4 सैंपल बनाएं और अपने सैंपल लगा दें कि ये मैंने बनाई है। ठीक है सर। सही है, और तो जो सर वीडियो वाला ऑप्शन है वहां पे इंस्टाग्राम की वीडियो कोई? वीडियो अपनी देनी होती है, यानी आप अगर हाँ अच्छी मार्केटर हैं तो, यानी फॉर एग्जांपल आप इस तरह से वीडियो बैठ के बनाएंगे कि जी
आप क्या इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए परेशान है? तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैं आपके इंस्टा के लिए बेहतरीन पोस्ट बना सकती हूँ। तो प्लीज आज ही अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए और एक बेहतरीन इंस्टाग्राम पोस्ट बनाइए। दैट्स इट, दिस इज द वीडियो। ओके ओके और उससे ठीक नीचे जो है फिर। थर्ड ऑप्शन था पीडीएफ का, वो डालें या ना डालें, कोई इसमें कोई है नहीं, ऑप्शनल है अभी वो अभी मेरे नहीं ख्याल से। डालें क्योंकि वो क्लाइंट का आपका काम होता है। अगर आपने क्लाइंट के लिए कोई काम किया हुआ है तो यू आप बिल्कुल उसको पीडीएफ में पोस्ट कर सकती हैं। अगर कोई काम नहीं किया हुआ तो छोड़ दें अभी उसको। ठीक, थैंक यू सर। सही है, ये सेशन भी एंड होने वाला है। सवाल इसमें और सवाल ले लेते हैं ताकि फिर मैं अगले सेशन से सिर्फ फेसबुक पढ़ाना शुरू कर दूं। इसको मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए डाल दूंगा। किसी का और है तो बता दें सवाल। किसी का और कोई सवाल नहीं सर, ठीक नहीं है? ओके फिर इसको एंड कर देते हैं। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, वो डायरेक्ट फेसबुक पे आते हैं कि फेसबुक पे पेज कैसे बनाना है। सही है। अच्छा है। एक एक और चीज कर लेते हैं। आप में से बताएं कि पेज कौन बनाना चाहता है फेसबुक पे। मैं उसका पेज बना के उसको एक्सेस भी दूंगा अभी अभी और पता भी चल जाएगा कि उसको क्या करना है। अच्छा सर फेसबुक पेज बना हुआ है मैंने। किसी का ऐसा है जिसका पेज नहीं बना हुआ? पेज बना तो हुआ है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरा बनवाऊँ। सही है। तो कोई एक मुझे वॉलेंटियर कर ले जिसको पेज बनवाना है और अपना नाम बता दे ताकि मैं। सर कौशल रमीन के नाम से है सर। हाँ लेकिन कोई ब्रांड सोचे ना। कौशल अमीन का पेज पे कौन आएगा? यानी कोई ब्रांड होगा ना तो खरीदने आएगा ना आपसे चीज। पहले जो लिखा हुआ है वो फैशन फॉर एवरीवन के नाम से पेज है, तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं उसमें, क्योंकि मैंने ऐसे ही बहुत कुछ उसमें सर अपने नाम से नहीं बना सकते अपना पेज, अपने बनाना नाम चाह से रही हूँ। देखें, अपने नाम से बनाने में ये होगा कि आप कुछ बताएं उसको कि बना सकते हैं लेकिन यू हैव टू गिवन डिस्क्रिप्शन कि आप करती क्या है। अगर हीरा खालिद पेज बना रही है तो देयर इज नथिंग इश्यू विद द हीरा ग्राफिक खालिद। डिजाइनिंग के हिसाब से बनाना हाँ चाहिए। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप करती क्या है। लेकिन अगर आप कोई एक ब्रांड और प्रोफेशनल पेज बनाएंगी तो थोड़ा अच्छा लग जाएगा। पर्सनल पेज बेसिकली ना आपकी अपनी ब्रांडिंग होती है। तो अपनी ब्रांडिंग जो है वो आप जब कर सकती हैं जब आप बनाना ग्राफिक जब डिजाइनर। हाँ जैसे कि अब मैं आपको बता दूं शाहिद अफरीदी हैं। शाहिद अफरीदी अपने नाम से स्टोर खोल सकते हैं। शाहिद अफरीदी सही, हुमायूं सईद अपने नाम से स्टोर खोल सकते हैं क्योंकि वो खुद एक ब्रांड है। जी लेकिन हीरा खालिद अगर खोलेंगी तो हीरा खालिद को पता होना चाहिए जी लोगों को कि हीरा खालिद है कौन। अमीर अदनान खोल सकते हैं क्योंकि अमीर अदनान ब्रांड है। लेकिन शुरू में जो है अपना एक ब्रांड कन्वेंट कर लें उसके बाद अपने नाम से। सही। सही। तो मुझे वॉलेंटियर कौन कर रहा है? कौशल कर रही है? कौशल कर रही है? मुझे वॉलेंटियर कौन कर रहा है? कोई एक नाम दे दे बस। सर आप कोई डिजाइन बना नहीं ना तो आप लोग में से बताए ना कि कौन पेज बनवाना कर चाहता दें है। ना, कोई ब्रांड बना दें, कोई आप क्लीन वो तो कर मैं बना सर, दूंगा मैं लेकिन बनाना चाह रही हूँ। कौन है नाम बताएं। हेलो पेज का कर देना कोई सर। वो तो मैं दे दूंगा। वॉलेंटियर कौन कर रहा है ये तो बताएं। हेलो के नाम से सर, मैं आपकी आपकी आवाज मेरा बहुत कठिन नाम कौशल अमीन कौशल अमीन। आपकी आवाज बहुत सर, कठिन थी। कौशल अमीन के नाम। आवाज बहुत कठिन थी इसलिए मुझे आई नहीं। सॉरी। सही है। मैं अब अगला सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ फिर उसमें हम जो है वो शुरू करते हैं और पेज बनाना शुरू करते हैं। सही है।